तो हेलो एंड वेलकम गाइस, टेक्निकल एज के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वीवो वी नाइन के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीवो वी नाइन में एक नया अपडेट आ चुका है और आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अपडेट क्या है और क्या क्या चेंजेस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो आपको यही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते गाइस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपडेट क्या है। तो गाइस अपडेट कुछ ये आया है, देख सकते हैं। जो आपका नया अपडेट होने वाला है वो होने वाला है 6.8.2, ठीक है। ये अपडेट आपको नया आ चुका है, सभी वीवो वी नाइन यूजर्स को मिल गया है और कुछ को शायद नहीं मिला हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जिसको मिल गया वो भी कमेंट में बताएं, ठीक है। तो गाइस देखिए, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिकमेंडेड में लिखा गया ऑप्टिमाइज सिस्टम पावर कंज्यूमेशन फॉर लॉन्गर बैटरी लाइफ। तो यहाँ पे बताया गया कि जो आपकी बैटरी है वो पहले से ज़्यादा चलने वाली है, थोड़ी सी अच्छी चलेगी, ठीक है। तो बैटरी में आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि बैटरी आपकी वीवो वी नाइन की काफ़ी अच्छी चलने लगेगी, ऐसा इस अपडेट में बताया है। तो भाई जिसने अपडेट कर लिया है तो बैटरी भी अगर ठीक चल रही है पहले से तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं जिससे कि अदर जो भी दूसरे यूजर्स हैं उनको भी पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइस, यहाँ पे सिस्टम से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिस्टम में यहाँ पे दिया गया है ऑप्टिमाइज सिस्टम पावर कंज्यूमेशन फॉर लॉन्गर बैटरी लाइफ, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ दिया गया है इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी विद सम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टम थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है उनके बारे में दिया गया थोड़ा सा कम। और उसके बाद यहाँ पे एक नीचे अगर आते हैं तो जो भी स्मार्ट स्कैन, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं जो भी स्मार्ट ये जो कि चाइना का रहता है गाइस, चाइना का असिस्टेंट होता है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो लोग ज़्यादा इंडिया वाले इसको ज़्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए होटल कार्ड हैज बीन एडेड डिस्प्ले होटल बुकिंग इन्फॉर्मेशन से होटल बुकिंग, तो कुछ होटल से रिलेटेड आपको यहाँ पे न्यूज मिल रहेगी, ठीक है। तो बुकिंग कार्ड वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, ये फीचर्स यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा जो भी फीचर्स के साथ में, ठीक है। इसके साथ बाद गाइस बात कर लेते हैं इसके नेटवर्क की। तो नेटवर्क में यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर दिया गया है नेटवर्क कॉल कंपैटिबिलिटी, तो ठीक है यहाँ पे बताया गया है। तो नेटवर्क कॉल कंपैटिबिलिटी इसकी गाइस इसमें खास चेंजेस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये बता रहे हैं कि नेटवर्क जो थोड़ा सा बेहतर आ जाएगा, बट ऐसा होता कुछ नहीं है। मैं भी वीवो वी इलेवन प्रो यूजर्स हूँ, इसमें कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो नेटवर्क के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर मिल जाता है यूआई एंड इंटरैक्शंस, तो ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ द ब्लॉग एंड मैनेज नोटिफिकेशंस कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पे आपको दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि कुछ जो नोटिफिकेशंस वाला जो ऑप्शन रहता है वहाँ पे आपके जो लॉक स्क्रीन रहती है वहाँ पे नोटिफिकेशंस होती है, तो काफ़ी सी सारी चीज फीचर्स इसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे कि आपका ब्लॉकिंग का फीचर्स भी ऐड हो जाएगा। जो नोटिफिकेशंस रहती हैं उनको आप ब्लॉक कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद मैनेज अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, नोटिफिकेशंस को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आफ्टर लॉन्ग प्रोसेस मतलब कि अगर ज़्यादा प्रोसेस कर दो, ठीक है, ज़्यादा अगर आपको आती है नोटिफिकेशन कार्ड वगैरह तो इम्प्रूव कर दिए गए इसके। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन को लेके यहाँ पे आपकी जो है नोटिफिकेशन जो फोल्डर रहता है नोटिफिकेशन वाला उसमें काफ़ी अच्छे से काम किया गया, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद गए यहाँ पे एक मोर नाम से फीचर्स और ऐड किया है, उसमें क्या है हम बात कर लेते हैं। दे आर इवेंट फॉर अपडेट फॉर यू डिस्कवर, तो गाइज यहाँ पे आपको मोर के फीचर्स में ही आपको यहाँ पे लिखा गया है दे आर एवन मोर अपडेट्स, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं सिस्टम अपग्रेड विल ब्रिंग यू बेहतर सिस्टम एक्सपीरियंस एंड यू कैन रेस्ट, तो गाइज यहाँ पे वही पुरानी बातें लिख देते हैं। ये तो खैर हर अपडेट में आता है कि आपको अच्छा फील होने वाला है, वो तो गाइज आप अपडेट करने के बाद ही पता चलता है। तो गाइज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने अपडेट कर लिया है तो इस अपडेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी कमेंट में बताएं, अगर सब ठीक है तो वो भी कमेंट में बताएं। इससे क्या होगा गाइस जो दूसरे यूजर्स हैं उनको पता चल जाएगा, ताकि अपडेट करने से पहले उनको अगर पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो वो मतलब कि आसानी से कर सकते हैं और
अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपडेट ना करेंगे, अगले अपडेट का वेट कर सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो आई होप का आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।